मतलब लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। चलो भाई, स्वागत है अपने चैनल फर्जी इंजीनियर्स पे और आप सब हमारी फर्जी फैमिली। आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। और आज है लोहड़ी, लोहड़ी हाँ, और सब ने लोहड़ी की लख लख बधाइयां। सही बोल रहा हूँ मैं शायद? और जा रहे हैं अभी पीयूष कक्कड़ के घर, अपना प्यारा दोस्त, वहां पे चल के लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद से पूछेंगे क्यों लोहड़ी मनाई जाती है और डांस वांस करेंगे, एकदम भंगड़ा पावेंगे। और शुरू हो गए लोग, सो हमारे साथ हैं इस टाइम पीयूष के पापा। सो अंकल, मतलब लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देते तो मजा जाता। लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? प्राचीन समय में दुल्ला नाम का परोपकारी पुरुष था, उसे दुल्ला भट्टी वाला कहते थे। कुछ कन्याओं को स्वार्थी तत्वों द्वारा बेचा जा रहा था, तो उसने उन कन्याओं की रक्षा करके उनका विवाह कराया था, अग्नि का फेरे दिलाए थे। तो उसकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है उन कन्याओं की मुक्ति के लिए। तो उस समय एक लोकगीत भी प्रचलित हुआ था, सुंदर मुंदर ये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला लेती थी ब्याई, देर शक्कर पाई गुड़ीदा लाल पटाका, गुड़ीदा सालू पट्टा, सालू कौन समेटते, चाचा चूरी देसे, चाचा चूरी कुत्ती, जमींदारा लुट्टी, जमींदार पकाऊ गिनगिन भोले आऊ, एक बोला रह गया सिपाही फड़के ले गया, सिपाही भी मारी गई तो भावे रोते भावे पे। बधाई हो सबको भाई। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले की ब्याई, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। विशेष रूप से अगर मैं अपने शहर की बात करूं, अपने निवारण नगर मोहल्ले की बात करूं, तो इस त्यौहार का पूरे मोहल्ले को इंतजार रहता है। एक होली, एक दिवाली और एक लोहड़ी, जिसको हम मिलजुल कर मनाते हैं। ऐसा ही प्रेम बना रहे, विशेष सबसे विशिष्ट बात है कि सामाजिक सद्भावना और प्रेम को बढ़ाएं। वो त्योहार कोई भी हो, वो महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का है कि किस त्योहार की वजह से। सादगी का त्योहार है, तड़क भड़क नहीं है, सर्दी का मौसम है, कोहरे को मात देने के लिए और ढेर सारी अग्नि का इंतजाम किया गया कि जिसमें महामारी कोरोना को भी इस बार जलाकर खाक किया जाएगा। धन्यवाद। रानीबाग से लोग आए रखे जैसे भंगड़ा माने। ठंडे
ये कुर्बानी का, प्यार का, पंजाब का, किसानों का, पंजाबी कल्चर का त्यौहार जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस प्यारे से त्यौहार की आप सबको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद अंकल।